मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी से कुमाऊं को जोड़ने वाले रानीबाग पुल का शुभारंभ किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 7 करोड़ 17 लाख की लागत से बने 2-लेन पुल की शुरू होने से अब अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोगों को काफी आसानी होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री रोड शो करते हुए अमृतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह पुल कुमाऊं की लाइफलाइन है, जिससे पूरे कुमाऊं का कारोबार जुड़ा हुआ है। अक्सर यहां पर सिंगल लेन पुल होने की वजह से जाम लगा करता था, लेकिन अब इस पुल को बनाने से कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में जाने वाले सैलानियों को भी जाम की दिक्कत नहीं होगी। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्तियों में जो भी घपले सामने आ रहे हैं, उसमें सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। दोषी चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना हो, उस पर कार्यवाही जरूर की जाएगी। कि ये रानीबाग का पुल जो विधानसभा क्षेत्र भीमताल में पड़ता है, यहाँ से रानीबाग, भीमताल, पदमपुरी, लोहागाट, पंचेश्वर राज्य मार्ग पर जो कि ये पुराने पुल के समीप ही है, इसके खुलने से बहुत बड़ा मार्ग और बहुत लंबे क्षेत्र के, पिछले दिनों में लोहाघाट गया था तो लोहाघाट के लोग भी मुझे चर्चा कर रहे थे कि ये पुल खुल जाएगा, नया पुल जिस दिन से खुल जाएगा तो उस दिन से बहुत बड़ी समस्या जो जाम की लगती है, उस जाम की समस्या का निदान हो जाएगा। इसके ये पुल के निर्मित होने से जहां 2 लेन 1 क्लास लॉन्डिंग स्टील गार्डर पुल के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सब लोगों को, जो इतनी बड़ी संख्या में आज पुल के लोकार्पण के लिए यहां पर एकत्र हुए, मैं आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी माताओं को, बहनों को, नौजवान साथियों को मैं बहुत बधाई देता हूं।